वॉट आर द काम हिज़ार्ट इन मेटल वर्किंग तो आज हम बात करने वाले हैं मेटल वर्किंग से रिलेटेड कुछ कॉमन हिज़ार्ट के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो मेटल वर्किंग एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एंड इसेंशियल क्राफ्ट है लेकिन इसमें इनहेरेंट रिस्क भी होता है तो इन हिज़ार्ट को समझना ही सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ताकि आप उसे मेटिगेट करके एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को इंश्योर कर सकें तो फर्स्ट हेज़ार्ड है फिजिकल हेज़ार्ड तो मेटल वर्क में वेरियस वर्क इन्वॉल्व होते हैं जैसे कटिंग ग्राइंडिंग एंड शेपिंग मेटल्स जिसके रिजल्ट में एक शार्प एज एंड डेंजरस टूल बनते हैं जिससे आपको कट लगने का बहुत रिस्क होता है और अगर आप हैवी मेटल पीस एंड मशीनरी को हैंडल एंड लिफ्ट करते हैं तो इससे आपको मैस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है अगर आप सही तरह से प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं करेंगे सेकंड हिज़ार्ड है केमिकल हिज़ार्ड तो मेटल वर्किंग फ्लूड का यूज़ हम कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन के लिए करते हैं लेकिन इस फ्लूड की वजह से हमें स्किन इरिटेशन, रेस्पायरेटरी इश्यूज़ और साथ ही अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसे प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो और वहीं दूसरी तरफ वेल्डिंग ग्राइंडिंग एंड मेटल कटिंग जैसे वर्क से हार्मफुल फ्यूम एंड मेटल डस्ट निकलता है जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में फेस करना पड़ सकता है थर्ड हिजार्ड है थर्मल हिज़ार्ड तो वेल्डिंग एंड फॉगिंग जैसे वर्क में एक्सट्रीम हीट इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से बर्न होने का और फायर ऑकर होने का बहुत रिस्क होता है और वहीं जब आप कोल्ड इन्वामेंट में वर्क करते हैं मेटल के साथ तो उसकी वजह से हाइपोथर्मिया एंड फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है अगर आप अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गेयर को वेयर नहीं करेंगे फोर्थ हिज़ार्ट है इलेक्ट्रिकल हिज़ार्ट तो मेटल वर्क के दौरान यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड मशीनरीज को अगर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर ऑकर होने का बहुत रिस्क होता है फिफ्थ हिजार्ड है एर्गोनॉमिक हिजार्ड तो कोई भी वर्क अगर आप लगातार एक ही पॉस्चर में एक ही फॉर्म में करेंगे तो उसकी वजह से आपको रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है और अगर आपके वर्क स्पेस का डिज़ाइन पुअर है वर्क के लिए एजिक्यूट ना होने की वजह से आपको डिसकम्फर्ट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैस्कुल स्केलेटल इंजरी भी हो सकती है आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर